माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम सब लोग भी अच्छे हैं। हम अच्छे हैं, मेरी बेटी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको दांत में प्रॉब्लम आ गया है, पता है? तो आज ही डॉक्टर के पास गई थी, अभी डॉक्टर के पास से आई है और नहाई है, तो चूल भी झाड़ नहीं सकती। मैं चूल झाड़ रही हूँ। शैम्पू कर लेगी तो बोल देगी चूल नहीं झड़ा था। दुखता है बहुत। अब बहुत घना भी है, देख रहे हैं कितना चूल है। बहुत चूल है। तो पता है डॉक्टर के पास क्यों गई थी? देखिए देखे ये क्या लगाया था तू? मतलब बस ऊपर वाले जो में ही लगा है। हाँ कोई बात नहीं, अभी छोटी है ना, बच्ची है, तो हो जाएगा, जब भी ठीक हो जाएगा। पता है इसका जो दांत दो, वो सामने का जो दांत है वो ऊंचा हो गया था, तो सोचे कि अभी पिन नहीं मरवाएंगे तो बाद में दिक्कत कर देगा, दिक्कत हो जाएगी। हम लोग सोचे कि अभी लगा देते हैं पिन, थोड़ा पैसा लगा, लेकिन अभी ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में, इसे अभी लगवा दिए। एक फिर भी कितना कितना दिन बोला है? एक साल बोला है ना? हाँ, एक डेढ़ साल। एक डेढ़ साल रखना है। दर्द करता है ना? नहीं तो दर्द नहीं करता, खाने के समय करता है, हल्का फुल्का। हाँ हल्का फुल्का दर्द करता है खाने के समय, ब्रश करने के समय दिक्कत होती है। और पता है ब्रश भी दूसरा है, ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं अमेजोन से ना? हाँ अमेजोन से ऑर्डर किया, भी नहीं आया। आएगा तो मैं उसका भी ब्लॉग बनाऊंगी, एक दो तीन दिन में आने वाला है। तो फ्रेंड्स अच्छा किया ना मैंने, समय रहते सुधार लिया। मतलब कोई भी बच्चा हो चाहे किसी का भी प्रॉब्लम हो, डॉक्टर के पास दिखाना हो तो साथ ही साथ कर ले। होता है क्या कि समय रहते करे ना तो अच्छा रहता है, कोई भी ठीक हो जाता है। समय पार करके करने पे ना कोई दिक्कत हो जाती है, समय रहते कर ले सबसे बेटर होता है। तो मैंने तो ये अच्छा किया कि मतलब समय रहते इसको ठीक कर दिया। अब एक दो साल रखेगी उसके बाद सही हो जाएगा। तो स्नेहा हाँ? कोई दिक्कत होता है? नहीं तो स्कूल जाती है तो? नहीं। बच्चे लोग चिढ़ाते हैं? नहीं, लोग नहीं चिढ़ाते ना? सही बात है। तो फिर ये देखिए क्या कर रहा है, एडिट कर रहा है। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, खेल रहा है पत्ते से। दीदी कितना पत्ता पड़ता है? दिन में दो बार झाड़ू लग चुका है, फिर भी इतने पत्ते पड़े हुए हैं। वो गाछ पर देखिए कितना खाली पत्ता ही पीला। देखिए पीला रंग का कितना सारा, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा पीला। हमारा कटहल देखिए कितना सारा है। कटहल मैंने तो कितना सारा तोड़ दिया, ये देखिए यहाँ का मैंने चार को तोड़ा है, वहाँ से तीन चार तोड़े हैं, इधर से काटे हैं उसको, बहुत सारा हुआ था। ये सब पत्ते भी कितने सारे, सब सादा रंग का पीला पीला पत्ता हो गया ना, सब गिर रहा है। हमारे यहाँ का मौसम देखिए फ्रेंड्स, आज का मौसम बहुत खूबसूरत है, यहाँ का मौसम बड़ा सुहाना है। आज का मौसम बहुत सुहाना है, न ठंडा है न गर्मी है, नॉर्मल है, न बारिश है ना धूप है, न गर्मी है न ठंडा है। क्या करने जा रहे हैं? पत्ता गिरा रहे हैं। चलो अभी ना, मैं तो गीला है। तो आपके यहाँ का मौसम कैसा है? अभी हो रहा है बच्चों लोगों के साथ। ये देखिए हमारा घर आंगन यही है, यहीं पे हम लोग शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं। अभी हम लोगों ने वीडियो बनाया है शॉर्ट्स कॉमेडी। तो ये देखिए रोटी है और ये इंजेक्शन है, डॉक्टर अंकल का इंजेक्शन। ये पता है क्या चीज का है? फिल्टर का है, आरओ का जो फिल्टर है ना पानी वाला, उसी में का है। तो हम लोग इससे कॉमेडी बनाते हैं क्योंकि अब ये आरओ में नहीं जाता है। नहीं, हम लोग किना हुआ पानी पीते हैं। तो ये लोग बच्चे लोग मस्ती कर रहे हैं, देखिए शाम का टाइम है, अभी आधा घंटा खेलेंगे लोग, उसके बाद पढ़ाई करना है। स्कूल से आने के बाद आधा घंटा हम इन लोगों के साथ शॉर्ट्स बनाते हैं और उसके बाद खेलने के लिए आधा घंटा सा टाइम देते हैं, उसके बाद खेलना हो गया अब तो पढ़ाई। ये देखिए कितना अच्छा सुहाना मौसम है और मेरे पैर पे बहुत सारा प्यारा पकड़ा हुआ है इधर, लेकिन अफसोस वो क्या होता है ना कि प्यारा का वो ऊपर का हिस्सा ना फोटा फोटा हो गया है सबका, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है, असर जा रहा है। बहुत सारा प्यारा पकड़ा है, अभी थोड़ा शाम हो गया है तो दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा भर्ती हो गया है प्यारा का। ये कौन सा खेला हो रहा है? मतलब मैं इनके पास देखूंगी, अगर मैंने उससे ऊपर कैच करके फिर मैंने खुद पकड़ लिया और मैंने हाथ बाहर किया। अच्छा ये बात है, चलो खेलो, मुझे भी खेलना है। नहीं खेलो खेलो, हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं। अभी आर्यन को मैं करूंगी। हाँ खेलो, देखो तो खेले।
पकड़ो पकड़ो बाबू पकड़ो, नहीं पकड़ पाए। स्टार्ट। पकड़ो नहीं पकड़ लेना, नहीं पकड़ते तब ना। तो ये देखिए हमारे यहाँ शाम का टाइम है, छोड़ो गेट छोड़ो। कहाँ जा रहे हो? रेस। तो ये देखिए हमारे यहाँ का घर, यहाँ का अब बच्चे लोग रेस लगाने का इधर खेलता है लो, 5-10 में शाम को टहलने जाती है। ये लो अभी चला गया, ये लो टहलने गए। जब तक मैं अपना कुछ काम कर लूँ, रेस लगाना भी जरूरी होता है। ये देखिए मेरे यहाँ का पानी का टैंकी, वो छत तो नहीं है तो ये क्या बोलते हैं पिलर दे करके, मतलब खुट्टी खुट्टी के ऊपर रख के रखे हैं लो। हम लोग का छत नहीं है, टीन है, ऊपर एंटीना है टीवी का। देखिए ए बकरी, देखिए फूल खा रही है, जा जा। आ जाओ जल्दी। आर्यन छोटा है ना, बच्चा है वो, इसलिए गुस्सा है। आ जाओ बाबू आ जाओ। ये देखिए थक गया, गुस्सा हो गया, इसको गोद में लेकर के। अरे बकरी ले गया तेरा चप्पल, गोई 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 गोई, पकड़ पकड़ लियो, चो चो चो, जा 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 लेके जाओ। ये देख बकरी आ गई, थक गई थक गई, मेरी बिटिया रानी थक गई, क्योंकि खाती तो है नहीं, तो क्या खाती नहीं, बहुत कम खाती है ये, सनेहा ज्यादा खाती है, इसलिए उसके पास एक प्लेट भर के खाती हूं। एक छोटी प्लेट में आर्यन थक गए, आर्यन तो मुझसे भी कम करता है, इसलिए तो सबसे पीछे था। फिर से गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया। रोटी है, टॉगी को खिला दे, ठीक है, गाय को खिला दे। ज़्यादा नहीं। तो फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग कैसा लगा? स्नेहा हाँ, हाँ। अब सूख गया है, ज़्यादा लगा लिया। मम्मी आर्यन ने डॉल गिरा दिया। अभी हम बतला रहे हैं तुम्हें। आ, ऐसे मत बोलिए ना। तो क्या बोलते हैं, अच्छा कर लिया बेटी का, दांत सही कर दिया, अभी साल भर तो रखना है, झेलना है। आर्यन का देखो कैसे देख रहा है, क्या देख रहे हो? फ्रेंड्स आप लोग भी, आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम हो या खुद के ऊपर प्रॉब्लम हो या बच्चों के ऊपर प्रॉब्लम हो, साथ साथ सॉल्व करें, है ना, ताकि आगे चल के परेशानी ना हो किसी को भी, आगे चल के बहुत ही ज्यादा परेशानी हो सकता है, बूढ़े बच्चे मरे सबको हो सकता है, इसे समझ रहे, जैसे कि मैंने कर दिया है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मेरा व्लॉग अच्छा लगे, मैंने अच्छा किया, मम्मी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, मम्मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने जब बोला ना तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट व्लॉग में, तो ये चुपके चुपके यहाँ आ रहा था बाय बोलने के लिए, सिर्फ बाय ये अच्छा लगता है, बाय, लाइक कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर से दबाइएगा, ताकि हर एक ब्लॉग का आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए। बाय बाय। That's good.